गुलमर्ग के अंदर वही जा सकता है जिसका नाइस होटल बुक है। तो ये नीचे से व्यू है, अभी हम नीचे हैं, हम गंडोरा राइड की तरफ जा रहे हैं। अभी देखते हैं वॉकिंग राइड कितनी है यहाँ से, तो बताते हैं आपको। बाकी ये है व्यू, ये है परवीज भाई, हम उसे लेके जा रहे हैं। तो जो फैंसी के अंदर जो आपको दिख रहे हैं ना सर जी, हाँ जी भैया, ये यहाँ का गल्फ कोर्स है सर जी। अच्छा अच्छा, ये का सबसे बड़ा गल्फ कोर्स है गुलमर्ग में सर। अच्छा, बोले सर ये पूरा गोल्फ कोर्स है सर? ये पूरा गल्फ कोर्स, ये बहुत बड़ी लैंड है वहाँ तक। तो भैया बता रहे हैं गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम अंतर क्या है? गुलमर्ग में आपको सबसे ज्यादा फैसिलिटी आपको गुलमर्ग में मिलेगी सर। अच्छा, जैसे कि आपने अभी बोला सर, यहाँ पर जो घोड़ा है सर, घोड़ा भी यहाँ साइड सीन करने के लिए लेके जाता है या गंडोला के लिए। अच्छा, और एक यहाँ सर एक्टिव एटीवी। अच्छा, एटीवी समझते ना सर जी? एटीवी मतलब एटीवी बाइक होती है सर जी, 4x4 बाइक होती है। हाँ सर जी, 4x4 होती है सर। मैं आपको वो आगे दिखाऊंगी सर कैसा होता है। तो वो भी यहाँ साइड सीन कराते हैं सर, राउंड अबाउट 13 किलोमीटर। अच्छा, पूरे घुमाते हैं गुलमर्ग में। ओके ओके, और वो आपको गंडोला भी ड्रॉप करेंगे, गंडोला से फिर वापस लेके अपनी गाड़ी पे बराबर आपको। अच्छा, वहाँ से लेके पिक करेंगे फिर वहाँ ड्रॉप कर देंगे। ओके, ये क्या भी है? ये जो जेके टूरिज्म जो है ना सर, जेके टूरिज्म के हट्स होते हैं सर से। तो ये रेंट पे मिलते हैं? हाँ, ये ऑनलाइन आपको करना पड़ेगा सर जी। अच्छा अच्छा, ये आप कर पाओगे सर जी, और इसका रेंट भी मैक्सिमम 7000 से ऊपर होता है, क्योंकि गुलमर्ग सबसे एक्सपेंसिव आता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो जितने भी बढ़िया होटल जो है सर जी, सबसे बढ़िया होटल कश्मीर का इधर गुलमर्ग में ही सर, इसका खैबर नाम है सर। खैबर, अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे सर जी, जो इसका ऑनलाइन जो रेट होता है सर जी, एक रूम का जो नॉर्मल रूम जो होता है, 25,000 स्टार्टिंग रेट है। अरे भैया किडनी ले लेंगे, एक किडनी ले लेंगे भाई, अभी हिसाब से बता रहे हैं। लेकिन एक बार आप अंदर चले गए होटल के अंदर, तो आप बाहर नहीं निकलोगे सर। ये बात, इतना शानदार काम। ये बात तो है। जो इग्लू कैफे जो होता है ना सर जी? हाँ हाँ, जो इग्लू कैफे बनता है, सिर्फ ठंड बनता है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा इग्लू कैफे इधर ही बनता है। अच्छा, यहाँ वर्ल्ड का सोलह इग्लू कैफे बनता है जब ठंड होती है, दिसंबर में। मतलब इग्लू कैफे पूरा बर्फ से बनाते हैं ना कैफे। हाँ, इग्लू है। उसके अंदर आपको खाने के लिए भी मिलेगा जो भी आप चाहेंगे। पढ़ा भी नहीं, वो जनवरी फरवरी में आपको मिलेगा। फरवरी जनवरी में आपको उसमें वो कंस्ट्रक्शन का काम होता है सर जी, कम से कम 20 लाख रुपये तक। अच्छा कॉस्ट। भाई ये क्या, यहाँ पे क्या, ये जो हेड दिखा है ये आइस स्केटिंग रिंग है सर जी। अच्छा, ओलंपिक खेल होती है उसमें। वो दादी का महल जो दिखा रहा है, दादी का महल यहाँ है, यहाँ स्केटिंग होती है। हाँ, आइस स्केटिंग यहाँ पे होती है। तो यहाँ टिकट हम वेरीफाई करेंगे, फिर यहीं से हम आगे निकलेंगे। अच्छा, यहाँ गेट पे चेक करते हैं। यहाँ खाली टाइमिंग चेक होती है सर जी, कौन सा टाइमिंग का स्लॉट है। तो ये हम जा रहे हैं गंडोला राइड की तरफ। ये है हमारा गंडोला राइड, यहाँ से स्टार्ट होगा। अभी इसके अंदर जाएंगे हम सर। अच्छा, तो वहाँ से फिर हमारी जो टिकट है वो स्कैनिंग हो जाएगी सर। अच्छा, स्कैन करेंगे, ठीक है। तो देन उसको आईडी स्टार्ट करते हैं। हाँ सर जी, वहाँ आपका सम टाइम कभी आईडी भी चेक होगा, आप ही के नाम से टिकट है या कभी ब्लैक में तो नहीं निकलता। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं, व्यू और खूबसूरत होता जा रहा है। पीछे पहाड़ दिख रहे हैं, थोड़ा सा फॉग है बीच में। ये क्या भी है? ऐसे ही मैंने रखा है। ये रेस्टोरेंट क्या बनाया? अच्छा सर, देखने में सुंदर से लगता है। और वो गजब। ये है आपका सेकंड फेज, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये ऊपर तक जाता है कहीं। वहाँ पे एक्टिविटी हो रही है,
देखिए वहाँ तक जाएंगे कुछ एक्टिविटी करने। नहीं गिर रहा है ये स्नो, मेल्ट होके गिर रही है। ये अभी बंद है भैया? ये विंटर में ओपन होता है सर। अच्छा जो ओपन होता है इसका भी अलग मजा आता होगा। जनवरी फरवरी में ओपन होता है। ओलिम यही है? ये तब होता है जो स्कैनर होते हैं सिकिंग वाले सर, एक्सपो उन्हीं के लिए होता है। अच्छा अच्छा, लोकल टूरिस्ट इस पे नहीं बैठ सकते। अच्छा अच्छा, खाली यहाँ से जाना होता है ऊपर तक सर, वहाँ से फिर स्की करते करते। अच्छा अच्छा, स्की के लिए यूज करते होंगे ना। ये है भाई यहाँ, ये देखिए सेकंड टॉप बोट अपर वार्ड, जहाँ सेकंड फेज की हमारी गंडोला राइड होती है। हम है पहले स्लैश पॉइंट पे, इसके बाद दो पॉइंट्स और हैं। हम आ गए अपनी सेकंड लोकेशन पे। आप पैदल भी आ सकते हैं, वैसे बहुत दूर नहीं है। कहाँ का पानी आ रहा है? सात जगह का, सात जगह, सात जगह पानी इसमें आता है, इसको सेवन स्प्रिंग बोलते हैं। सेवन साइड से पानी आता है। अच्छा अच्छा, इस टाइम पे अगर आप देखोगे सच्ची विंटर के टाइम पे इसमें गर्म पानी होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे कि अगर आप समर में आओगे तो बहुत ठंडा रहता है। अच्छा अच्छा, उल्टा है ये स्प्रिंग है? स्प्रिंग अच्छा अच्छा, ऐसा ही और एक स्प्रिंग है यहाँ सजी, वो सेकंड फेज के बाद। अच्छा अच्छा, कम से कम तीन घंटे लगते हैं। अच्छा अच्छा, वो ऊपर ठीक है, ये सेकंड फेज है। तो भाई ये छोटे छोटे ढाबे यहाँ पे, अब यहाँ पे चाय कॉफ़ी मैगी कौन सब खा सकते हैं। तो पहले स्कीडिंग वो बाइक वाले करने से पहले हम थोड़ा कुछ खाएंगे। ये भाई यहाँ की मैगी, यहाँ पे मैगी ना खाए तो कोई मतलब नहीं बनता। कश्मीरी पुलाव है, चिकन पुलाव लिया है हमने। शादी में एक डिश होता है। अच्छा, ये कॉफ़ी है, अभी कावा वाजवान का डिश है ना, ये कॉफ़ी है और ये कहवा है। हमारा भी कहवा आ रहा है भैया, एक नंबर। अभी पूरा माउंटेन गिरा है, देखिए 20 मिनट पहले पूरी धूप थी और अचानक से टेम्परेचर इतना गिर गया। तो हम यहाँ अपनी गुलमर्ग की ट्रिप ख़त्म कर रहे हैं। हम नीचे आ रहे हैं श्रीनगर के लिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सो हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो गुलमर्ग का टूर है आज हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। हम आ गए हैं अपने होटल में। हमने आज गुलमर्ग में जो एक्टिविटीज़ की हैं उसमें बेसिकली थी स्नो जेट एक्टिविटी, जो कि मस्ट है, बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा स्लेजिंग एक्टिविटी की थी। स्लेजिंग में मैंने बेसिकली इसलिए ली थी कि मुझे एक प्लेस से दूसरी जगह जाने में थोड़ा सा कन्वीनियंट लगा था उसके लिए, लेकिन आप कर सकते हैं, इट्स इंजॉयबल। और इसके अलावा वहाँ पे स्कीइंग एक्टिविटी थी जो हमने स्किप कर दी थी। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप ग्लव्स जो स्नो बूट्स हैं वो, और उसके अलावा जैकेट, ये तीन चीज़ें, या जो वहाँ पे रेंटल भी जैकेट्स आपको मिल जाती हैं, ये तीन चीज़ें ज़रूर लेकर के जाइए
मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता गुलमर्ग में, एकदम से इतना रैपिडली ठंडा हो जाता है कि मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना। सो ठीक है, इसी नोट के साथ हम ख़त्म करते हैं आज का ब्लॉग। आपको नेक्स्ट हम मिलेंगे सोनमर्ग में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।